हेलो एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ आयुर्वेदिक टिप्स। आज हम बात करेंगे नी ज्वाइंट सर्जरी की, जिसको नॉर्मली आर्टिफिशियल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब ये कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, कई लोगों की धारणा है ऐसी कि इसमें हम बोन को कट करके उसको रिप्लेस कर देते हैं, जॉइंट को रिप्लेस कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इट्स ओनली द स्मूथिंग द सरफेस एंड एड अ कैप कवर टू स्मूथ द जॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक इंसीजन करके, कट लगा के एक कैप ऐड कर देते हैं, जिससे जॉइंट का सरफेस, देखिए जॉइंट का सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है, स्मूथ हो जाता है, और इससे आप इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में आता है कि ये कितने टाइम तक चलेगा, एक जॉइंट कितने टाइम तक चलेगा। तो ये नॉर्मली अगर आप अच्छे से केयर करें अपने जॉइंट की, तो नॉर्मली ये चल सकता है 20 से 25 साल आराम से। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इंजेक्शंस भी ले सकते हैं, स्मूथनिंग इंजेक्शंस भी आते हैं जो आपके जॉइंट में डाल दिए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूड कम हो जाता है जॉइंट्स में या नी जॉइंट में, तब उसको मूवमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बोन एक दूसरे से घिसने लगती हैं, जिससे आपको तकलीफ़ होती है। और एक किस उम्र में करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए, बने रहिए वीडियो के साथ, आज सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये इसमें पहले क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप जब सर्जरी करवाएंगे तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि इससे कई प्रॉब्लम हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एनेस्थीसिया में ये नॉर्मली होता है। और फिर बात आती है अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो साइड इफ़ेक्ट इसके ये हैं कि आप हो सकता है परफेक्टली वर्क ना करें आपका वो, अगर आप उसकी केयर ना करें तो। और फिर जॉइंट को आपको सेफ़ कैसे करना है, तो आपको ऐसे सरफेस पे चलना है, ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ जगह पे नहीं चलना। आपको ये नहीं सोचना कि बस अब सब कुछ सही हो गया है, नहीं ऐसा नहीं है। और सर्जरी के बाद आप कितने दिन बाद चल सकते हैं, तो नॉर्मली आप एक दिन बाद चल सकते हैं, और फिर 10 से 12 दिन आपको लग जाते हैं।